डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि इस समय हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 से लेकर 2023 तक की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने 2019 बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के अभाग को पूरा कर दिया है। अब हम लोग उसके भौतिक विज्ञान भाग को पूरा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे सेट नंबर 4 और 5 मिक्स रूप से। सेट नंबर 4 और 5 मिक्स रूप से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट बिना देरी किए हुए हम इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल फटाफट के अंदाज में आ रहा है। देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, ये सवाल आपसे पूछा गया है 4 नंबर में। कितने नंबर में? 4 नंबर में। क्या पूछा गया है? समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालिए। मतलब कुछ प्रतिरोध ऐसे हैं जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, उसका तुल्य प्रतिरोध का आपको व्यंजक निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो समांतर क्रम का मतलब आप समझते ही हैं कि एक तार जा रहा हो, वहीं से कई तार निकल जाएं और सब लोग जुड़ जाएं, यही आपका समांतर क्रम है। तो मतलब कुछ इस टाइप का हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आइए जरा हम लोग इस बात को देखते हैं क्या होने वाला है इस सवाल में। देखिए, सवाल आपसे करवाना क्या चाहता है, वो कहता है कि भैया एक ठो परिपथ बनाओ और हमको प्रूफ कर दो, ठीक है। तो हमने कहा चलो आओ देखते हैं, तुमको प्रूफ ही कर देते हैं। तो आपने कहा परिपथ कैसे बनेगा? मैंने कहा देखिए, बड़ा छोटा करते जाइए, इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से ले जाइए, चाहिए तो आप कुंजी लगा दीजिए, नहीं तो कुंजी लगाना ज़रूरी है नहीं यहाँ पे। चलिए, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आया। अब यहाँ से आप लोग चाहिए तो 3 प्रतिरोध निकाल लीजिए या 2 ही निकाल लीजिए, केवल आपको समांतर क्रम दिखाना है बस, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 3 प्रतिरोध लीजिए, ये तो हम लोग ले लेते हैं 3 प्रतिरोध, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। 3 प्रतिरोध हमको मिल गए, एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है, जो आपने बैटरी लगाई है, मान लीजिए कि बैटरी का विभवांतर जो है V है। क्या है? V। अब इस परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो I है। क्या है? I। बाकी की कहानी आप जानते ही होंगे कि ये जो यहाँ पे धारा आएगी, यहाँ से भी I ही आएगी, परंतु जैसे ही तार 3 निकलेंगे वो धारा 3 हिस्से में बट जाएगी। जो पहली धारा है वो I1 होगी, जो दूसरी धारा है वो I2 होगी और जो तीसरी धारा है वो I3 होगी। परंतु जब यहाँ से निकलेगी तो वो फिर से I का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस परिपथ का चित्र बनाएंगे। तो चित्रानुसार धारा I कितने हिस्से में बट रही है? 3 हिस्से में बट रही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, चूंकि आप क्या लिखेंगे, कुल विभवांतर अर्थात विभव। तो आपने विभव वी वोल्ट की बैटरी लगाई है, हो गया। उसके बाद आपकी जो धारा बह रही थी वो क्या बह रही थी? I बह रही थी, इसलिए कुल प्रतिरोध वही आपका तुल्य प्रतिरोध रहेगा। जो कुल प्रतिरोध है इसी को आप क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध भी कहेंगे, ठीक है। कुल प्रतिरोध बराबर R। तो ओम के नियम से आपको यही सब बातें लिखनी होंगी आपके पेपर में, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे आप? ओम के नियम से क्या होने वाला है? V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R, इसलिए R की वैल्यू मिल जाएगी। एक मिनट, I निकालिए। तो इसलिए I बराबर आपको मिल जाएगा V बट्टे R, इक्वेशन नंबर 1। फिर अब आप लिखेंगे, चूंकि धारा I 3 हिस्से में बट रही है, जैसा कि आपने चित्र में देखा, 2 ही आप बना दीजिएगा, फायदे में रहेंगे, छोटा लग जाएगा आपका सवाल। 3 हिस्से में बंट रही है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पे धारा आई तो तीन हिस्से में बट गई, इसका मतलब जो आई है वो तीनों के योग के बराबर हो जाएगा, I1 + I2 + I3, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब इसमें आप I1 का मान निकालिएगा। तो I1 के लिए देखिए, पहली बात मैं एक बात और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कि चूंकि समांतर क्रम है इसलिए V समान होगा, समांतर क्रम है इसलिए क्या समान होगा, V समान होगा। तो अब यहां से आ जाइए पहला नंबर, आप I1 के लिए, I1 के लिए देखिए विभव तो जो होगा वो V ही होगा, विभव जो होगा वो V रहेगा, परंतु जो प्रतिरोध है I1 जहां पे गया हुआ है उसका जरा आप परिपथ में प्रतिरोध देखिएगा। तो देखिए यहां पे जो I1 इधर आया यहाँ पे, इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है, जो I2 गया उसका R2 है, जो I3 गया उसका R3 है। तो आप इसी बात को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, यहाँ पे R1 है। फिर वही चीज़, इसलिए ओम के नियम से I बराबर V बट्टे R, तो अब V तो रहेगा ही, लेकिन अब प्रतिरोध आपका R1 हो चुका है। ऐसे ही बात करेंगे आप I2 के लिए, किसके लिए जी, I2 के लिए। तो I2 का जो विभव है वो कितना है, क्योंकि मैंने बता दिया कि आप समांतर क्रम ले चुके हैं तो विभव भी समान रहेगा, लेकिन इस बार प्रतिरोध किस में जा रहा है, I2 किस में जा रहा था, I2 जा रहा था R2 में, जा रहा था कि नहीं जा रहा था। तो फिर I2 बराबर क्या लग जाएगा नियम आपका, V बट्टे R2, वही ओम का नियम जिसे आपने समीकरण नंबर एक माना है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ से वही तो निकल के आया ना, I बराबर V बट्टे R, तो वही R की जगह R1 R2 R3 हम रख रहे हैं बारी बारी से। चलिए तीसरा आ जाइए आप लोग, तीसरा देख लीजिए I3 के लिए, इसके लिए I3 के लिए। तो जब I3 की आप बात करेंगे तो क्या आएगा I3 में देखेंगे जरा, जो I3 आप बात करेंगे I3 की, तो I3 में भी तो विभव भी ही रहेगा ना, I3 में भी विभव क्या रहेगा, भी रहेगा। उसके बाद प्रतिरोध, परंतु क्या हो जाएगा इसका, प्रतिरोध क्या हो जाएगा आप बताइए जरा, प्रतिरोध इसका हो जाएगा R3। इसलिए I3 बराबर आपको सूत्र मिल जाएगा V/R3, हो गया। अब आप लिखिएगा समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या था, समीकरण 2 आपका I = I1 + I2 + I3, जो आपने तीनों वैल्यूज पीछे निकाली हैं उसको रख दीजिएगा इसमें। पहला आपने निकाला V/R1, दूसरा आपने निकाला V/R2, V/R2, और तीसरा आपने निकाला V/R3। उसके बाद फिर यहाँ लगाइए आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है जरा पीछे देख लीजिए। देखिए समीकरण 1 का था I = V/R रख दीजिए आप, तो जहाँ I है वहाँ भी आप रख दीजिए V/R, इधर से कर लीजिए V को कॉमन, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आपको मालूम ही है कि V इधर गुणा में है, गुणा से इधर भाग में आएगा, तो हम V से भी काट देते हैं। जैसे ही आप काटेंगे आपको सूत्र मिल जाएगा I = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही तुल्य प्रतिरोध है किस क्रम का, समांतर क्रम का। यही आपका प्रतिरोध है समांतर क्रम का, तुल्य प्रतिरोध जिसे आप R से प्रदर्शित करेंगे। तो इस टाइप से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही आप श्रेणी क्रम का प्रूफ कर सकते हैं। जब आप श्रेणी क्रम का प्रूफ करने जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे धारा समान रहेगी, विभवांतर बदलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे एक बार I1 का वैल्यू निकाले हैं, I2 का निकाले हैं और I3 का निकाल के रखे हैं, वैसे वहाँ पे आप V1 V2 V3 का वैल्यू निकालिएगा, उसको रखिएगा, तो आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए ज़रा दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, काफ़ी तगड़ा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल लगाना है 4 नंबर में पूछा गया, 2 सवाल लगाना है आपको। तार का व्यास दिया गया है, प्रतिरोधकता इतनी है, 10 ओम का प्रतिरोध तार बनाने के लिए,
कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका व्यास दे दिया है, तो आपको यहां से निकालनी है त्रिज्या। तुरंत आपने निकाल लेना है त्रिज्या, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ना, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिज्या आर बराबर आप निकाल देंगे 0.5 बटे 2 और एमएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा एक काम करिए, इस एमएम को मीटर में बदलिए, क्योंकि यहाँ देखिए आपका मात्रक ओम इंटू मीटर दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक दिया गया है ओम इंटू मीटर, तो इसको आप मीटर में बदलेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 1 mm होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 1000 से देना पड़ेगा भाग, 1000 से देना पड़ेगा भाग, और ये बदल जाएगा मीटर में। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे इसको 0.5/2000। तो मैंने कहा एक काम और आजमा लीजिए, 10 का गुणा और करा लीजिए यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बट्टे आपका हो जाएगा 2000, 20000। मैंने कहा इसको 4000 बार में काट दीजिए, तो आपका आ गया 1/4000 मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आया आपका आर बराबर। उसके बाद और पीछे देख लीजिए प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को आप क्या बोलते हैं जी, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। तो प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, तो प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, और हम इसे रो से ही प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू का दिया गया जी, वैल्यू का दिया गया है, देखिए इसकी वैल्यू दी गई है 1.6×10⁻¹ ओम इंटू मीटर। देखिए 1.6×10⁻¹ ओम इंटू मीटर। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिए आप लोग यहाँ पे, मैं एक काम यहाँ पे कर लेता हूँ, ये जो हम लोगों ने काटा है ना, हम इसको काटते नहीं हैं। ठीक है, नहीं तो जाने दीजिए, कोई फर्क, वैसे फर्क पड़ना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आप क्लियर कट कर लीजिएगा। देखिए इसको आप क्या चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ पे इसको लिखिए 5/20000 है, इसको आप लिखिएगा 5/2×10⁴, क्योंकि 4 0 है ना, इतना रहने दीजिए, इससे आप फायदे में आ जाएंगे अभी, और ये मीटर में आ गया है। चलिए जरा आइए अब इधर देखिए, प्रतिरोधकता आपने देख लिया, और फिर प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध, प्रतिरोध रखना है 10 ओम, और लंबाई आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, लंबाई एल पूछ रहा है कि कितना लंबा तार लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, प्रतिरोध आर दिया गया है, रो दिया गया है, आर और रो में आप संबंध को जानते हैं, तुरंत उस फॉर्मूले को लगा दीजिए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो जो ए था आपका, ए ए ही तो था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप इसी फॉर्मूले को इसमें रख देंगे। तो देखिए जरा आर की वैल्यू को रखिए जरा 10, बराबर रो का वैल्यू जो है 1.6×10⁻¹, कितना आ गया आपका 10⁻¹⁸, और गुड़े आपको यल पता करना है, और ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ला दीजिए नीचे से, पाई आर स्क्वायर को 10×πr² आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पर नीचे चलाया 1.6×10⁻¹, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है। देखिए जरा यहाँ पे आप कि यहाँ से 1.6 इसके नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, और ये नीचे था तो वो ऊपर जाएगा, उसके साथ वही कहानी मैंने यहाँ पे की हुई है। उसके बाद बराबर आपका केवल यल बचा, अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए 10×π का मान रख दीजिए 3.14, और गुड़े आर का मान है, आर का मान था भी आपका 5/2×10000² और पूरे के बट्टे आपका था
1.6 × 10⁻¹⁸ - 8, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे जी इसमें, ज़रा बताइए तो, कहीं पे हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? देखिए ज़रा इस सवाल को, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे बराबर क्या बचा आपका, यल बचा यल। अब आपको मालूम ही है कि यहाँ पे आपको 10 का जब गुणा होगा तो वो हो जाएगा 31.4, और गुणे 5 का वर्ग हो गया 25, नीचे हो गया 2 का 4, और वो 10⁴ का वर्ग हो गया 10⁸, और नीचे आपका बचा 1.6 × 10⁻¹⁸, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसको भी नीचे से भेज दिया जाए ऊपर, बराबर आपका बचेगा यल। तो एल बराबर आपका क्या आने वाला है, देखिए 31.4 × 25, और जब उसको नीचे से ऊपर ज़बरदस्ती आप भेजेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा, और नीचे आपको बचेगा 4 × 1.6 और 10⁻⁸। तो आपने देखा 10⁻³ से 10⁻⁸ कट गया ना। अब आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा 31.4 और 25, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 10-10 का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। जैसे ही 10-10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर नीचे 10 ख़त्म, तो आपका बचा 314 × 25, और नीचे आपको बचा 4 × 16, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, देखिए सबसे पहले आप 314 में 25 का गुणा करा लीजिए, 314 में 25 का गुणा कराइए तो आएगा आपका 7,850, और नीचे हो जाएगा आपका 16 × 64, तो आपको इसमें भाग देना है 64 का, 64 का भाग दे देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 122.65625। फाइनली आप चाहिए तो छोड़ दीजिए, 122.65 मीटर लगभग कर दीजिए, तो आपको इतना लंबा तार लगभग लेना पड़ेगा, हो जाएगा ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल था आपकी स्क्रीन पर, देखिए आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, बस ये गणना थोड़ी सी करनी है आपको, गणना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिए आपने लगा लिया होगा इस सवाल को, अब मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूँ और हम लोग सवाल के इस दूसरे हिस्से की बात करते हैं। देखिएगा जरा सवाल का दूसरा हिस्सा आपसे क्या कहता है, यदि इस तार का व्यास जो है दोगुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए जब दो स्थितियाँ हों ठीक है, तो एक में एक एक लगाकर मानेंगे, एक में दो दो कर लगाकर मानेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर, जब लंबाई स्थिर हो और मोटाई बदले, मोटाई मतलब समझ रहे हैं ना, मोटाई मतलब व्यास या त्रिज्या भी कहा जा सकता है, या इसी को अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट भी इसी को कहा जाता है, बदल रहा हो, तो आप सूत्र देखिएगा R1 / R2 = आपका आएगा, देखिए A2 / A1, ये मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, R1 / R2 = A2 / A1, चाहे आप रख दीजिएगा R1 / R2 = R2 / R1 का स्क्वायर, जहाँ R1 क्या है, पहली स्थिति का प्रतिरोध, और आपका R2 क्या है, दूसरी बार का प्रतिरोध अर्थात दूसरी स्थिति का प्रतिरोध, हो सकता है जो आपको ज्ञात करना हो, और R1 क्या है वो इसी में r1 पहली बार का परिच्छेद क्षेत्रफल, और R2 जो आपका रहेगा दूसरी बार का परिच्छेद, सॉरी
परिच्छेद त्रिज्या रहेगी इसकी, त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद आर टू क्या रहेगा, दूसरी बार की परिच्छेद त्रिज्या। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। यहीं अगर मान लीजिए कि यल बदल रहा हो, तब यल बदले तब क्या सूत्र लगेगा, तब आप सूत्र लगाइएगा आर वन बट्टे आर टू बराबर एल वन बट्टे एल टू, जबकि मोटाई नहीं बदलनी चाहिए, मोटाई नहीं बदलनी चाहिए, आप इस बात को याद रख लीजिएगा। तो आइए ज़रा हम लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप लोग ये सवाल को हम कैसे लगाएंगे। कहा गया तार का व्यास दोगुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो वही कहानी है कि दो स्थितियां बनी हैं। मान लीजिए दिया हुआ है आपका पहले प्रतिरोध, ठीक है, पहले प्रतिरोध R1 बराबर आपको दे दिया गया है। क्या दिया गया है, R1 बराबर 10 ओम। दूसरे में प्रतिरोध पूछ रहा है, दूसरी बार आपका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो R2 बराबर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि व्यास कह रहा है व्यास दोगुना कर दें, व्यास, तो चूंकि व्यास मान लीजिए कुछ दिया गया है, मान लीजिए D ही दिया गया है, इसलिए जो त्रिज्या है उसकी आप R1 मान लीजिए, वैल्यू मत रखिएगा, सीधे फॉर्मूले में रखिए, आंसर आपको मिल जाएगा, वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या आप R1 कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है व्यास दोगुना कर दिया जा रहा है, व्यास उसका कितना गुना किया जा रहा है, व्यास दोगुना हो रहा है, दोगुना, हो गया। इसलिए जो त्रिज्या आर है, मतलब यहाँ पे दूसरी स्थिति है, तो आर टू भी दोगुनी होगी, त्रिज्या आर टू भी दोगुनी होगी, ठीक है। तो जो आर टू है वो दोगुनी होके आर वन हो जाएगी, मतलब टू आर वन हो जाएगी, जो आर टू है वो टू आर वन हो जाए, एक सर एक मिनट, जो आर टू है आपका आर टू वो हो जाएगा आपका टू आर वन, जो आपका आर टू है वो आपका हो जाएगा टू आर वन, आर टू जो आपका है वो हो जाएगा टू आर वन, ठीक है। अब आप लगा दीजिएगा सूत्र, क्या लगा दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि आर वन बट्टे आर टू बराबर आर टू बट्टे आर वन का होल स्क्वायर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें मान रख दीजिए आर वन का मान 10, आर टू नहीं पता है, आर टू आपको रखना था इधर टू आर वन और नीचे आर वन का स्क्वायर, तो आपने देखा आर वन से आर वन कट गया, बचा उधर दो का स्क्वायर, तो 10 बट्टे आर टू बराबर 4 बट्टे एक बचा, 4 गुड़े आप आर टू करिएगा बराबर होगा 10, जैसे ही आप आर टू निकालेंगे 10 बट्टे होगा 4 कट जाएगा, तो आर टू बराबर आएगा 2.5 ओम हो जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा, अंतर पहले आपका 10 था, अब हो गया 2.5, घटा देंगे तो 7.5 ओम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों सवाल का आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए कितना आसान चीज़ थी, पहले आपको एक सवाल लगाना था, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का रिलेशन निकालना हो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने जो दोनों आपको लिखवाया है ये वाला, परंतु इस फॉर्मूले को तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका यल स्थिर हो, जब आपका यल स्थिर हो, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका यल बदल रहा हो, आर स्थिर हो, आर स्थिर हो, तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, आराम से सवाल को आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ये आपका सवाल हो गया अच्छे से, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और सवाल देख लेते हैं हम लोग, जो आपके रिपीटेड सवाल ही हैं। स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन होता है, अनंत होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। सवाल बनता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तो पृथ्वी से हम लोग जानते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश की किरण इस पृथ्वी पर आती है तो हमारे वायुमंडल में जो कण हैं वो इसका प्रकीर्णन कर देते हैं,
प्रकीर्णन करने के बाद आकाश नीला दिखाई देने लगता है। तो पृथ्वी पर आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है जी? वायुमंडल के कारण दिखाई देता है। अगर वायुमंडल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आसमान काला दिखाई देगा। तो चाहे आप अंतरिक्ष से देखिए, चाहे आप चंद्रमा से देखिए, चाहे किसी भी उस ग्रह से देखिए जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ से हमेशा आसमान कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए उसके बाद मैं इस सवाल की चर्चा कर लेता हूँ, बाकी पीछे के दो सवाल छूट रहे हैं, मैं आपको उसको कल बताऊँगा, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर भी मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ। तो आइए ज़रा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। कह रहा है यहाँ पे, अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो मैं पहली बात आपको बता देता हूँ, आपने अगर पिछली क्लास इसकी नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, जहाँ पर लेंस और दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना सिखाया गया है, ठीक है, वहाँ जाइए देखिए, आपको पूरा का पूरा सब चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है जी? अवतल दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है आप बताएंगे जरा कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा होता है, जल्दी बोलिए, बोलेंगे क्या होता है? अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हर स्थिति में उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी? उल्टा बनता है हर स्थिति में। अवतल दर्पण पर केवल एक ही ऐसी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो भी कब? जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है। किसके बीच रखा जाता है जी? P और F के बीच रखा जाता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप उसे P और F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अन्यथा हर बार उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो P कौन सा है? देखिए, ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है, तो इसके बीच रखा गया है, इसका मतलब आपका यही ऑप्शन है सही, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, अन्यथा जब भी रखेंगे आप, आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, और सीधा की जगह उल्टा बनेगा, उल्टा, और बाकी तो वहाँ पे बड़ा, छोटा और बराबर तीनों होता है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आरेख खींच कर बताना है, आप उसी क्लास को देखेंगे आराम से आप समझ जाएंगे, नहीं तो मैं कल की क्लास में आपको बनवा भी दूंगा। और यहाँ पर आज का आपका होमवर्क है, जो कि 2020 बोर्ड परीक्षा में आए हुए रसायन विज्ञान भाग से है, ठीक है, जिससे आपका रसायन विज्ञान भाग का भी चर्चा चलती रहे, आप उसमें पीछे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रिपीटेड सवाल है, एथेनोइक अम्ल का तीन रासायनिक गुण लिखना है, उसका समीकरण लिखना है, एक उपयोग लिखना है, बाकी यहाँ पे ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखना है कि ऑक्सीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, सजाती श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हैं, एल्डिहाइड की नामकरण पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया वही लिखेंगे, कीटोन क्या जानते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या जानते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आज का लास्ट सवाल देखिएगा, इसमें मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए, इसको मैं आपको विस्तार पूर्वक पिछली क्लासेज में बता चुका हूँ, आप जाइए वहाँ देखिए और समझिए, ये आपका सवाल कट चुका है। ये लास्ट सवाल आपका है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl के बनने की क्रिया इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा समझाइए। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट बोल के नोट में आपके लिखवाया था, और पिछली क्लास में मैं आपको 2019 सेट में सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।